इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर हर रोज पाबंदी परुनीता, दानिश और बाकी कंटेस्टेंट कोई ना कोई बात शेयर करते रहते हैं। आज फिर अरुणिता कांचीलाल का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अरुणिता पूरी तरह रोती नजर आ रही हैं। अरुणिता का इंटरव्यू देकर शायद आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी के साथ 10 महीने रहने के बाद अगर आप दूर हो जाते हैं तो बेशक आप उसे याद तो करेंगे ही। और अरुणिता पवनदीप की जोड़ी तो हर किसी को पसंद आई, और इनका क्या हाल होता है ये आप अरुणिता की आंखों में साफ पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप अरुणिता के इस इंटरव्यू को सुन और देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इंटरव्यू इसलिए और भी खास है क्योंकि अरुणिता ने खुद अपने मुंह से बताया कि पवनदीप भी बहुत रोए थे। जी हाँ, ऐसा खुद अरुणिता कह रही हैं। दरअसल अरुणिता से पूछा गया कि आप घर में कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि भले ही कहीं भी घूमो लेकिन घर में ही स्वर्ग महसूस होता है, घर में ही सुकून मिलता है। कहीं भी आप घूमो घर ही एक अपना होता है। उसके बाद अरुणिता से पूछा गया कि क्या आप इंडियन आइडल के बाकी कंटेस्टेंट को याद कर रही हैं? इस सवाल पर अरुणिता इमोशनल हो गई। अरुणिता ने बताया कि जैसे जैसे दिन बीतते चले गए थे हम सब मुरझाने लगे और रोना धोना शुरू हो गया था। अरुणिता कहती है कि एक महीने पहले ही हम सब मिलकर खूब बातें करते थे और दूर होने पर रोते भी थे। अरुणिता ने बताया कि जब पवनदीप को ट्रॉफी दी जा रही थी फिनाले वाले दिन, तो अरुणिता और सायली कामले स्टेज के पीछे खड़े होकर रो रही थी। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि वो विनर नहीं बन पाई, बल्कि पवनदीप से अलग होने पर रो रही थी। अरुणिता ने बताया कि पवनदीप ने उस वक्त हम दोनों को रोते देखा तो वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और पीछे आते ही वो बुरी तरह रोने लगे थे। हालांकि पवनदीप ने कहा कि मैं इन्हें छुपाने गया क्योंकि अगर मैं रोता तो ऐसा लगता कि मैं लड़का होकर रो रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आंसू रोक ले गया। लेकिन अरुणिता और सायली को बुरी तरह रोते देख पवनदीप अपने आंसू नहीं रोक पाए। फिनाले वाले दिन ये सब हुआ। फिनाले वाले दिन आपने नोटिस किया होगा कि सारे कंटेस्टेंट के चेहरे पर उदासी दिख रही थी, सभी दूर हो जाने के डर से उदास और रो रहे थे। अगर आपको भी अरुणिता का ये इंटरव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। अरुणिता कांचीलाल भले ही इंडियन आइडल 12 का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई हो, लेकिन जितना ही प्यार पवनदीप राजन को मिला उससे कहीं ज्यादा प्यार अरुणिता कांचीलाल को भी मिला, इसलिए पवनदीप की तरह अरुणिता को भी खूब याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें भी खूब बधाइयां दी जा रही हैं और इनके साथ बिताए पलों की वीडियोस फोटोज खूब शेयर किए जा रहे हैं। तो जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर अरुणिता पवनदीप की लव स्टोरी के काफी किस्से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनके बीच ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है, लेकिन जिस तरह से वीडियो में इनकी नजदीकियां दिखाई दे रही हैं वो देखकर शायद आप भी अपना ओपिनियन बदल सकते हैं। अरुणिता पवनदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक घर में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो इंडियन आइडल 12 का फिनाले होने के कुछ घंटों बाद का ही है, जब ये 5 फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट अपने रूम में रेस्ट करने गए थे और इन पांचों ने उस बीच एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की। ये वीडियो दानिश ने अपने YouTube चैनल पर पोस्ट करने के लिए बनाया था। दानिश ने वीडियो में बताया था कि पवनदीप ने ये खिताब जीता है और हम सभी फाइनलिस्ट ने खूब मौज मस्ती की है। दानिश ने पवनदीप और अरुणिता को स्पेशल थैंक यू भी बोला। दानिश अरुणिता की जर्नी के बारे में सवाल पूछते हैं। खास बात, पवनदीप अरुणिता इस बीच बिल्कुल पास पास एक ही कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से शर्मा भी रहे। लोगों ने पवनदीप और अरुणिता की नजदीकियों के बारे में सवाल भी पूछे। वहीं एक और चीज गौर करने वाली थी वो ये कि वीडियो में पवनदीप भी अरुणिता को गौर से देखते नजर आ रहे हैं, जिसने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है। अब वाकई इनका रिश्ता दोस्ती का है या फिर दोस्ती से बढ़कर, आप ही बताइए। इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी लेकर अपने होम टाउन उत्तराखंड पहुंचे पवनदीप का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। फूलों की माला और रास्ते में फूल बिछाए गए, आरती उतारी गई और हर तरफ मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। पवनदीप ने सिंगिंग में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि अपने शहर उत्तराखंड और पहाड़ों की रौनक ही बढ़ा दी। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पवनदीप को लेकर नाच गाना हो रहा था, लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ उनके ही गांव में उनकी लव स्टोरी की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं।
जी हाँ, उनके गांव में भी उनकी करीबी दोस्त अरुणिता कांचीलाल पहुंच गई हैं। लोगों ने वहां भी पवनदीप का नाम अरुणिता से जोड़कर खूब मजे लिए। लोगों ने अरुणिता को तब बहुत मिस किया जब पवनदीप अकेले अपने गांव पहुंचे। कुछ लोगों ने कहा कि अगर अरुणिता होती तो हम यहाँ खूब पार्टी करते। कुछ लोगों का कहना है कि पवनदीप को गांव में अरुणिता को लाना ही चाहिए था। और फिर आपने सोशल मीडिया पर तो देखा ही कि किस तरह से लोगों ने अरुणिता को भाभी तक बुलाया। जब से पवनदीप की बहन ज्योति दीप ने अरुणिता के साथ फोटो शेयर की है, तब से लोग उन्हें भाभी कहकर बुला रहे हैं। हालांकि लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पवनदीप और अरुणिता ने इन सभी बातों को अपने पास भटकने भी नहीं दिया। उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने काम पर ही सिर्फ फोकस दिया था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी पवनदीप और अरुणिता से एक दूसरे के बारे में सवाल किया जाएगा तो दोनों कुछ तो घुमा फिरा कर बात करेंगे। अगर ऐसा सच हुआ तो इनके बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वरना ये सब शो का कारनामा भी कहा जा सकता है। शो के कारनामे की वजह से पवनदीप और अरुणिता का नाम जोड़ा गया और अब फैंस इनके मुँह से खुद इनके रिश्ते का सच जानना चाहते हैं। खासकर तब जब ऐसी खबरें आई हैं कि पवनदीप और अरुणिता एक ही बिल्डिंग में एक साथ रहने वाले हैं। अब देखना होगा इनके बीच क्या चल रहा है। जहां तक सबको पता था कि इंडियन आइडल 12 का विनर पवनदीप राजन ही बनेगा, लेकिन एक पवनदीप ही थे जिन्हें अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और भरोसा भी नहीं था। लेकिन पवनदीप ने मेहनत करने से हार नहीं मानी। बीमारी की हालत में भी पवनदीप होटल के कमरे में अपनी परफॉर्मेंस देने में लगे रहे, लेकिन आखिरी वक्त पर पवनदीप की हालत ऐसी बिगड़ी कि खबर सुनकर उनके फैंस भी डर गए। जी हाँ, पवनदीप ट्रॉफी लेकर घर भी नहीं पहुँचे कि बीच रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ गई। जी हाँ, पवनदीप की हालत तब बिगड़ी जब उनके हाथ में ट्रॉफी दी गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने उनके हाथ में उन्हीं को इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी दी जा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गए, ना ही कुछ बोल पा रहे थे, ना ही उन्हें वहाँ का शोर शराबा सुनाई दे रहा था। आंखें खुली और वो बस वहाँ मुंह बंद किए खड़े हुए थे। लोग भी पवनदीप की हालत देखकर शॉक रह गए कि आखिर पवनदीप के लिए आज का दिन कितना खुशी का है और उनके मुंह पर उदासी क्यों है। ट्रॉफी मिलने के बाद भी वो अपसेट क्यों है। उन्हें तो खुशी और जश्न मनाना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पवनदीप को खुशी के मारे गोद में भी उठा लिया। उनके पिता भी सुध-बुध खो चुके थे, माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पवनदीप तो ना जाने कौन सी दुनिया में उस वक्त कुछ सेकंड के लिए चले गए थे।